ट्रेनिंग कितना कितना फॉलो कर रहे हो? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत भाई, थोड़ा बाहर आ जाओ ना प्लीज। बस रुबीना मैम, मैडम जी आप भी बता दीजिए, फिनाले भी आने वाला जी। उमर यस का जो फेयर हुआ है अनफेयर था, जो डिसीजन उनके ऊपर जो था, देखिए हमने ऑनेस्टली नहीं देखा है तो अभी उस पर टिप्पणी करना इज अ लिटिल। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, सही कि गलत फेयर है क्या? सोशल पे तो देखा होगा जी 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 सर, कंटेस्टेंट्स हैं वो तो उनको पता है, वो सोच के जाते हैं मेंटली प्रिपेयर होके कि ये शो है, कोई भी कभी भी इविक्ट हो सकते हैं, लेकिन इट्स अनफेयर फॉर द फैंस एंड द पब्लिक जो उनको उम्मीद से देख रहे हैं, इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, अपना काम छोड़ के, यू नो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई छोड़ के, लोग अपना काम छोड़ के उनको, यू नो दे आर रूटिंग फॉर देम एंड दे डोंट हैव पावर टू सेव, तो उनके लिए थोड़ा अनफेयर है, बट लाइफ इज लाइक दैट। मैम आप भी जैसे कि विनर हैं वो शो के, अगर टॉप फाइव की बात करें तो टॉप फाइव में आप किसे देख रहे हैं? जनता जनार्दन वो डेफिनेटली डिसाइड करेगी कि कौन विनर होना चाहिए, सो टू ऑल द कंटेस्टेंट्स प्लीज बी ऑनेस्ट एंड हैव अ क्लैरिटी ऑफ माइंड बिकॉज़ दैट्स व्हाट इज गोइंग टू विन द टूर्नामेंट। जाते जाकर राखी के बारे में कुछ कह दें अगर आप। थैंक यू। अरे प्रभात, अरे बूम मत डाल प्रभात, बूम मत डाल, क्या है प्रभात पूरा थोड़ा भी सुन, बूम डालना मत जी मैम। बट मोबाइल ने कहा जनता के लिए इलेक्शन अनफेयर है बिकॉज वो लोग अपनी पूरी जी जान मेहनत वोटिंग में लगा लेते हैं, अपने लिए एक हीरो ढूंढने में लगा लेते हैं, और अगर जनता के लोगों के बिना कोई इफेक्ट हो जाता है तो फिनाले के पास, सो आई थिंक इट्स लिटिल अनफेयर फॉर द ऑडियंस, बट एवरीबॉडी हैज देयर जर्नी एंड एवरीबॉडी हैज देयर ओन वे ऑफ लिविंग अप टू इट, सो जो भी है जनता जनार्दन है दे विल डिसाइड देयर ओन, सो थैंक यू सो मच। Bye bye. Are you came out? Aaj abhi nahi chale.